चले का सीसीटीवी फुटेज खंगालना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। इसमें दो ही चीज पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हम सबूत पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटी पे सबूत तो जब पुलिस इंक्वायरी हो और गुनाह दाखिल हो तो पुलिस भी सबूत निकालेगी, लेकिन आगे की जांच इसके आगे क्या होगी, क्योंकि जांच हुई है तभी तो निलंबन हुआ ना। अगर विभागीय जांच की बात कही जाती है कि आगे विभागीय जांच होगी, तो इसके आगे विभागीय जांच क्या होगी, कुछ नहीं होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, दो दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो था, सब्जेक्ट था वसई प्रभाग आई, वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति आई में कार्यरत अधीक्षक थॉमस रॉड्रिक्स के निलंबन का। तो दो दिनों पहले की बात है, ये सामने आया खुलासा। हालांकि निलंबन पिछले 8 तारीख को हुआ था, लेकिन इतने दिनों से निलंबन का जो है मीडिया में बात जाहिर नहीं हुई थी और अभी हाल ही में यह जानकारी मीडिया में आई, उसके ऊपर मैंने खुलासा किया। उस दिन मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया था वो आदेश की कॉपी जो है मेरे पास में थी, लेकिन स्पष्ट नहीं थी। आज ये मेरे पास स्पष्ट आदेश की कॉपी है और इस आदेश की कॉपी में क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं। यह आदेश 8 सितंबर 8/9/2021 को निकाला गया है, जिसमें वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त गंगाधरन डी के सिग्नेचर है और इस आदेश में उन्होंने लिखा है कि जार्थी श्री थॉमस रॉड्रिक प्रभाग समिति डी नालासोपारा पूर्व यथे उप अधीक्षक तथा प्रभारी अधीक्षक मनुन वसई विरार शहर महानगर पालिकेत कार्यालय कार्यरत अस्ताना दिनांक 12/7/2020 तारीख को, याद रखिएगा उस दिन मैंने आपको तारीख बताया था लेकिन उस दिन जो कॉपी था वो स्पष्ट नहीं था, मैंने बोला भी था 12/7/2020 रोजी सुट्टीच्या दिवशी महानगर पालिकेच्या प्रभाग समिति आई वसई येथील कार्यालयात जाऊन घरपट्टी विभागातील कागदपत्रे हाताळताना कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसत आहेत, तदंतर ते पाड्या पोत्यांना भरून कार्यालयातील काहीतरी गोष्टी विना परवानगी घेऊन जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे। दोस्तों माफी चाहूंगा, मेरा मराठी थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन ये मराठी में आदेश पत्र है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। सदरचे कृत्य है महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 व नियम 3 चा भंग करना रहा है। फिर इसमें इसके नीचे जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, त्यार्थी आता श्री थॉमस रॉड्रिक्स प्रभारी अधीक्षक प्रभाग समिति डी नालासोपारा पूर्व है महानगर पालिका नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 नियम 4 व महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम कलम 56(2)(f) मधील तरतुदीनुसार दिनांक 8/9/2021 पासून निलंबित करण्यात येत आहे आणि ते पुढील आदेशापर्यंत निलंबित राहतील। इसके बाद में नीचे की ओर दो तीन पैराग्राफ है, उनमें अलग 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 चीजों का मेंशन किया हुआ है। अब ये जो दो पैराग्राफ है अभी मैंने मराठी में पढ़े, इसका हिंदी में आपको समझाऊं तो ऐसा है कि ऐसा लिखा गया है, पहले पैराग्राफ में जो लिखा गया उसमें ये लिखा गया है कि थॉमस रॉड्रिक्स जो प्रभाग समिति ड नालासोपारा में थे उप अधीक्षक के पद में, उन्होंने 12 जुलाई 2020 को छुट्टी के दिन महानगर पालिका प्रभाग समिति आई वसई जाकर वहां कुछ घरपट्टी विभाग में कुछ कागज पत्र जो है वो टटोले और उसमें से कुछ कागज पत्र एक थैली में भर के ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में पाए गए। आपको ये भी बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि थॉमस रॉड्रिक्स जो है सालों से वसई प्रभाग समिति आई में कार्यरत थे, जिनका पिछले साल ट्रांसफर हुआ था प्रभाग समिति डी आचोला में, एक चीज। और ये प्रभाग समिति डी आचोला में ट्रांसफर होने के समय की ये घटना है, यानी कि तब थॉमस रॉड्रिक्स जो है प्रभाग समिति आई का उनके पास कार्यभार नहीं था, छुट्टी के दिन बिना परवानगी वो गए, वहां से उन्होंने वो दस्तावेज हटाए। अभी इस विषय में मैंने पहले भी बोला है कि महानगर पालिका ने आदेश निकाला, निलंबित किया, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन निलंबन और आदेश निलंबन ही इसका आखिरी रास्ता नहीं है। इस मामले पर गुनाह दाखिल होना चाहिए था, पुलिस शिकायत होनी चाहिए थी और
पूरा मामले की जांच होनी चाहिए थी। पुलिस गुनाह दाखिल होगा, पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तभी जाकर इससे पर्दा उठेगा कि आखिर था क्या। आज मैं महानगर पालिका गया था, आयुक्त साहब से मिला, मैंने आयुक्त महोदय ने मुझे समय दिया, मैं उनसे मिला। तो हाल ही में एक पार्टी से भी मैं जुड़ा हूं, मजदूर पक्ष से, मजदूर पक्ष की तरफ से मैंने उनको निवेदन पत्र भी दिया कि इस मामले की पुलिस कंप्लेन हो, शिकायत हो और फिर जांच हो। तब उनका ऐसा कहना था कि आयुक्त साहब का ऐसा कहना था कि हो सकता है वो अपने ही को कागज पत्र ले जा रहे हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो छुट्टी के दिन ही क्यों, बिना किसी की इजाजत के छुट्टी के दिन ही क्यों, यह सवाल बड़ा है। वहीं साथ ही में महानगर पालिका परिसर में था, तब मैं यहां वहां चर्चा चालू थी, इनसे बात उनसे बात, इसी बीच में किसी ने इस मामले पे कुछ चीजें ऐसी जाहिर की जिसके बाद मुझे वीडियो बनाने की असल में जरूरत महसूस हुई। मामला उस दिन मैंने आपको बताया था, तारीख संडे था, लेकिन 2020 था ये, तो उस दिन भी मुझे मालूम था, लेकिन इतना ध्यान नहीं लगा था कि 2020 जिस तारीख का ये जिक्र यहां पर किया जा रहा है 12/7, उससे आज 14 महीना निकल चुका है, 12/9/2021 है। तो मैं जो भी बता रहा था आपको कि महानगर पालिका में चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान किसी ने ये बोला कि हो सकता है कि साजिशन उनको फंसाया गया हो, तो ये भी बराबर बात है, साजिशन भी फंसाया जा सकता है, लेकिन साजिशन फंसाने के पीछे किसकी क्या मंशा रही होगी ये सोचना अलग है। लेकिन इस चीज पे, पूरे चीज पे अपन अगर गौर करें तो ये मामला काफी गंभीर है। अभी गंभीर क्यों है मैं आपको इसके लिए बताता हूं कि 12/7/2020 की यह घटना थी, तब वसई प्रभाग समिति आई में सहायक आयुक्त, अगर मैं सही हूं तो उस समय सुभाष जाधव थे, उसके बाद में उनकी बदली हुई, उनकी जगह पर प्रताप कोहली आए जो कुछ समय 5-7 महीना रहे, और अभी तो उनका ट्रांसफर वसई से बाहर ही हो चुका है। उसके बाद में अभी हाल ही में जो प्रदीप आवड़ेकर है वो पिछले 1.5-2 महीने से महानगर पालिका प्रभारी सहायक आयुक्त है। अब इस पूरे 14 महीने के पीरियड में 3 प्रभारी सहायक आयुक्त बदली हो चुके हैं। 3 प्रभारी सहायक आयुक्त बदली होने के दरमियान में यह मामला पहले क्यों नहीं उठा, यह सवाल बड़ा है, एक सवाल। दूसरी बात, अमूमन किसी भी सरकारी कार्यालय में या कहीं पे भी जनरली जो सीसीटीवी फुटेज है वो 90 दिनों के बाद में सीसीटीवी फुटेज उस कैमरे में रहती नहीं है, वो जो हार्ड डिस्क है पर्टिकुलर उसमें स्टोर की है उसको निकाल के हार्ड डिस्क बदल दी जाती है 90 दिन के बाद में हार्ड डिस्क। अब जो किसी ने मुझे ऐसा बोला, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, कि साजिशन भी हो सकता है, तो उनका पॉइंट बिल्कुल सही है कि थॉमस रोड्रिक्स को साथ साजिश करके फंसाया जा रहा हो, क्योंकि 1 साल पहले का सीसीटीवी फुटेज मिला कहां से किसी को, तो ऐसी क्या नौबत आई कि 1 साल पहले का सीसीटीवी फुटेज खंगालना पड़ा, यह बड़ा सवाल है। इसमें दो ही चीज पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हम सबूत पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी, सबूत तो जब पुलिस इंक्वायरी हो और गुनाह दाखिल हो तो पुलिस भी सबूत निकालेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या तो थॉमस रोड्रिक्स के जाने के बाद में जो ये कागज पत्र लेके गए उसके बाद में इतना बड़ा कुछ मामला हुआ रहेगा कि कुछ गड़बड़ सामने आई रहेगी, धीरे 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 गड़बड़ सामने आई रहेगी, उन कागज पत्र जब नहीं मिले तब उसकी इंटरनल इंक्वायरी हुई रहेगी और उस इंक्वायरी के बाद में ये बात सामने आई होगी कि ये काम थॉमस रोड्रिक्स ने किया है, तब जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। एक तो ये सीधा सीधा, और 14 महीने का समय निकला तो जाहिर सी बात है ऐसा का ऐसा तो आदेश निलंबित कर निलंबित किया नहीं गया है, हालांकि अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अभी आगे की जांच जारी है, लेकिन आगे की जांच इसके आगे क्या होगी, क्योंकि जांच हुई है तभी तो निलंबन हुआ ना। अगर विभागीय जांच की बात कही जाती है कि आगे विभागीय जांच होगी, तो इसके आगे विभागीय जांच क्या होगी, कुछ नहीं होने वाली है। जो पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स है जिनके साथ में छेड़छाड़ हुई है उनका क्या, एक चीज ये है।
दूसरी बात ये, अगर थॉमस रॉड्रिक्स ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है तो पर्दे के पीछे से कौन उनको जो है इस चीज के लिए ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि थॉमस रॉड्रिक्स जब वसई से आचोले गए तो कहीं ना कहीं वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने हटाए हैं वहां से, जो भी है, हम ये नहीं, हम ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि थॉमस रॉड्रिक्स ने चोरी की है, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके ले जाने की जो तरीका है और जो निलंबन आदेश जो है उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं कि जब उन्होंने वहां से वो डॉक्यूमेंट्स हटाए तब या तो वो किसी ऐसी चीज को छुपा रहे थे जो उनको लगा कि अब मेरी जगह पे कोई और आएगा तो ये चीज बंडा फूट जाएगा, तो पर्दे के पीछे से कोई ना कोई उनको इस चीज के लिए सहयोग कर रहा था। दूसरी बात कि इतना बड़ा महानगर पालिका, इतने डिपार्टमेंट, और एक साल तक ये सब चीज मामला किसी को पता ही नहीं चलता है, ये भी बात गले उतरती नहीं है। तो दोस्तों, जो पहले ही दिन मैंने जब परसों वीडियो बनाया था उसी में मैंने ये संभावना व्यक्त की थी कि यह मामला काफी गंभीर है। एक तरफ आम जनता के डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ हुई है, डॉक्यूमेंट को नष्ट करने की कोशिश की गई है या हटाया गया है, तो दूसरी तरफ जो भी हो, मैं थॉमस रॉड्रिक्स को सीधे सीधे दोषी नहीं बोल रहा हूं, वो मेरा काम भी नहीं है, लेकिन सवाल जरूर उठाना मेरा काम है पत्रकार होने के नाते कि थॉमस रॉड्रिक्स उस दिन करने क्या गए उसका स्पष्टीकरण दे, और सिर्फ विभागीय जांच से काम नहीं होने वाला, इस पर पुलिस में FIR दर्ज होकर पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए, या तो एक्स जज भी जांच करे, न्यायिक जांच हो तो और भी बड़ी चीज है, या CID CBI जो भी इसमें है, क्योंकि यह मामला कोई छोटा मामला नहीं, यह काफी बड़ा मामला है। मैं भी आपको उल्लेख कर रहा था कि हमारी पार्टी ने भी इस चीज के लिए अपना पुढ़ाकार लिया है और आगे, तो आज माननीय आयुक्त गंगाधरन जी से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, उनको हमने ये पत्र भी दिया है पार्टी के बैनर तले, और उनसे यही मांग की कि इस मामले में जो है आप पुलिस इंक्वायरी कीजिए। ये जो पत्र आप देख रहे हो, इस पत्र में वही मांग की गई है, ये पत्र की एक प्रति माननीय जिलाधिकारी को और एक प्रति माननीय पुलिस आयुक्त मीरा भाईंदर सदानंद दाते साहब को भी भेजी गई है, और उम्मीद है कि तीनों ही वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तीनों ही वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की संगीनता को ध्यान में रखते हुए जो मांग है उस पर अमल करेंगे और FIR होने का करने का आदेश निकालेंगे। एक बार FIR हुई तो उसके बाद में कौन सही कौन गलत वो जनता के सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, पत्रकार होने के नाते मुझे मिली जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, मैंने पहुंचाया, मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे तक इनको इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वीडियो को बनाने का एक मकसद जो है वो हल हो, और जो मामला है इतना गंभीर विषय है उस पर कोई ना कोई सही निर्णय निकले, जांच हो, और बाद में जाके इसका खुलासा होने के टाइम में जनता को राहत मिले कि नहीं, हमारा कुछ गलत नहीं हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, और अगर गलत हुआ है तो फिर दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए, ये मेरी मांग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।